चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाँ, ये हो सकता है, शायद ये गेम आए ही ना या बैन हो जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक MLA हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें ये कहा है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो गेम है, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब पबजी मोबाइल का ही रीलॉन्च है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, और भारत सरकार के कानून और नियमों को साइड में रख के एक लूप होल ढूंढ के एक तरीका है बस चाइना का भारत में घुसने का और इस गेम को दूसरे नाम से भारत में फिर से चलाने का। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्राफ्टॉन कंपनी है उसने इन्वेस्टमेंट की है गॉडविन नाम की कोई एक कंपनी में, और उस सेम गॉडविन नाम की कंपनी में टेंसेंट कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट की है जो कि एक चाइनीज कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों के तार जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी अंदेशा जताया है कि ये गेम में जो वेपन्स वगैरह होंगे उसके थोड़े नाम बदल दिए जाएंगे, थोड़े कपड़े बदल दिए जाएंगे और गेम का नाम बदल कर फिर से उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके सर्वर भारत और सिंगापुर में होंगे और बाद में शायद ये डेटा चाइना भेज दिया जाए या कुछ गलत तरीके से भेज दिया जाए, कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने ऐसा संदेह दिया है। तो ये चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखी है कि इस पे भाई आप थोड़ी सी नज़र रखो। उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गेम आया तो उसके URL में पबजी मेंशन क्यों था। बात सही है, गेम अगर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है तो फिर उसके URL में पबजी मेंशन करने की क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है, इसमें इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इसका एक और एक वजह भी हो सकती है कि SEO में रैंकिंग अच्छी पाने के लिए उन्होंने शायद पबजी मेंशन कर दिया URL में। ये चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं अपनी पुरानी वीडियो में दे चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्यों वो एक मिस्टेक ऐसे पबजी जानबूझकर की है या उनसे हो गई है। तो SEO के हिसाब से वो कर सकते हैं, बट देखा जाए तो ये एक गलत तरीका है SEO का। इससे रैंकिंग अच्छी मिलेगी क्योंकि पबजी वर्ल्ड को ज़्यादातर लोग जानते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया एक नया टर्म है, इसको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। हर कोई इतना YouTube पर एक्टिव नहीं है, उसे हर गेम के बारे में अपडेट के बारे में पता नहीं होता, और उसकी रैंकिंग पबजी की बहुत अच्छी मिलेगी इन कंपैरिजन टू बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, इसलिए भी हो सकता है। तो उस गेम को, उस कंपनी को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। अब क्या होगा, अब क्योंकि एक MLA ने चिट्ठी लिखी है तो भारत सरकार उस पर गौर करेगी, ये देखेगी कि जो MLA जी ने जो कहा है क्या वो बात सही है, और इस चीज़ के सवाल बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी क्राफ्टॉन से पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के तो पहले से भी था, क्राफ्टॉन का है गेम और आपका जो पब्लिशर है वो पहले टेंसेंट था, राइट, तो दैट मीन्स उसकी पार्टनरशिप पहले से चल रही है। अब किसी दो कंपनी ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो भी इनडायरेक्ट पे में तो कहीं ना कहीं तार जुड़े, पहले भी तार जुड़े हुए थे, राइट। लेकिन जो क्राफ्टॉन कंपनी है मेरे हिसाब से वो भारत में शायद किसी एक अलग कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड की गई है टेंसेंट से हटकर, जो कि कानूनी तौर पर मेरे हिसाब से ठीक है, बट हम जानते नहीं अंदर क्या चलता है, राइट। उन्होंने कहा है कि वेपन्स के नाम बदल दिए जाएंगे, वेपन्स बोली थी, कपड़े थोड़े बहुत बदल दिए जाएंगे, गेम का नाम तो बदल ही दिया है। तो ये चीज़ है, सर्वर भारत और सिंगापुर में होने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि ये चाइना का इनडायरेक्टली इंडिया में घुसने का एक तरीका है थोड़ी सी फेर बदल करके क्राफ्टॉन के सिर्फ। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं कोई नहीं जानता, ये उन्होंने सिर्फ चिट्ठी लिखकर भारत सरकार को सचेत किया है। अब ये टोटली भारत सरकार के ऊपर है कि वो क्या फैसला लेती है। अगर फैसला जल्दी आता है तो ये गेम कभी लॉन्च नहीं होगा, लेट आता है तो लॉन्च होने के बाद भी शायद इसको बैन कर दिया, ऐसा हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको बताया कि SEO को लेने के लिए शायद उन्होंने पबजी लिख दिया हो और वो सही में उन चीज़ पर ध्यान दे रहे हों जिससे भारत सरकार को प्रॉब्लम थी, जिससे हमारे डेटा वेटा को कहीं विदेश में या चाइना में जाने से रोका जा सके, उन सारी चीज़ों पर हो सकता है ये कंपनी पूरे तरीके से ध्यान दे रही हो, क्योंकि दोबारा आई है तो भाई कुछ सोच कर ही आई होगी ना। अब ये एक दिन तो चलेगा नहीं, ये गेम लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, तो आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा अगर चालबाजी कर रहे हैं तो। नॉर्मली कंपनियाँ ऐसा नहीं करती, लेकिन अगर ऐसा हो रहा होगा तो भारत सरकार इसको बैन कर। जी हाँ, तो यही खबर है अभी। अब देखते हैं भारत सरकार क्या इस पे फैसला लेती है या क्या कोई रिप्लाई आता है, MLA जी कुछ बोलते हैं या कोई भी इंसान अगर कुछ भी कुछ अपडेट निकल कर आता है कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से या MLA जी की तरफ से या कहीं से भी, तो मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं बनाई हैं, ये मैंने न्यूज़ सोर्सेस से ली है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए क्या चल रहा है, कब आएगा, लोगों का फेवरेट गेम है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा बता दूं मैं भाई कि ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे न्यूज़ बताने का और अपडेट्स बताने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी बनाता हूं, आपको टेक के, गेम के बारे में या जो भी साइबर वर्ल्ड के बारे में कुछ वीडियो चल रहा होता है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको आगे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।